ये मोदी का सरकार ठीक नहीं है, उसको कह दिए कि होश में रहे ना तो बेहोश हो जाएगा। हम लोग तो रीतलाल को भेजा के देंगे वोट। लालू यादव जिंदाबाद। घर वाले सभी कोई बीजेपी है। रीतलाल यादव लालटेन छाप आसती ना, कहाँ घूमती है, कहीं नहीं घूमती है। रीतलाल भैया जो खड़े हो रहे हैं उनके तरफ से सपोर्ट है, लेकिन वोट तो हम लोग का बीजेपी है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में हम आज खड़े हैं और हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ से सिटिंग MLA हैं आशा सिन्हा जी, जो विगत 15 सालों से यहाँ पर सिटिंग MLA हैं, और उनके विपक्ष में खड़े हैं रीतलाल यादव जी। देखना ये होगा कि आशा सिन्हा जी के जो राइट हैंड है दानापुर विधान परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता जी, वो भी उनके विरोध में खड़े हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की जनता से चल करके जानते हैं उनके दिलों का हाल कि वो इस बार जो आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रही है उसमें किसे वोट करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? कुणाल कुमार। कौन आ रहे हैं इस बार, रीतलाल यादव जी जो बाहुबली आदमी है वो या आशा सिन्हा जी? उम्मीद तो उन्हीं का है, रीतलाल यादव जी का। रीतलाल यादव जी का जी। इस बार सत्ता पलट दीजिएगा जी। यहाँ पे बना हुआ काम बिगड़ते रहता है, जैसे मैं भी मेरे दुकान के आगे में इतना अच्छा बना हुआ। रीतलाल यादव लालटेन छाप, लालटेन छाप को एकदम आएगा लालटेन छाप। अच्छा का है, वो तो बाहुबली नेता है, उन पर तो बहुत, उन पर तो कुछ कुछ इल्जाम भी लगा हुआ है। कुछ इल्जाम नहीं, काम करेंगे। आशा सिन्हा कहाँ घूमती है, कहीं नहीं घूमती है, कहीं नहीं घूमती है। 15 साल में नहीं आई है, एक बार नजर नहीं आएंगी। आपका क्या नाम हुआ सर? सूरज कुमार यादव। आप किसके तरफ? RJD। इस बार कौन आ रहे हैं, रीतलाल यादव जी की आशा सिन्हा जी? रीतलाल यादव जीतेगा। रीतलाल जी आ रहे हैं, वो तो बाहुबली हैं और उन पर कुछ कुछ आरोप भी लगते आ रहे हैं, तो क्या ऐसे प्रतिनिधि को आप चुनेंगे? हाँ, उसी को चुनेंगे। आशा सिन्हा जी कोई काम नहीं किए हैं? काम नहीं करता है। कौन आ रहे हैं? ये मोदी का सरकार ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं का है, कोई ऐसा काम नहीं किया गया। गरीब बहुत भूखे मारा गया है, गरीब बहुत भूखे मारा गया है, उसको कह दिए कि होश में रहे ना तो बेहोश हो जाएगा। हाँ, मोदी बेहोश हो जाएगा। लालू यादव जिंदाबाद। लालू कैसे हैं? हाँ, लालू यादव। अच्छा, आप भी बता दीजिए भैया कौन आ रहे हैं आपके हिसाब से। रीतलाल भैया जो आईवे करेंगे, इसी को मौका मिलना चाहिए, ताकि दादा पूछे तो सब ये सब विधायक अच्छा है। अच्छा, हमें एक बात बताएं, जैसे कि आशा सिन्हा जी के खिलाफ उनके राइट हैंड जो दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं विजय दीपक मेहता जी, वो खड़े हैं, तो क्या ऐसे में वोट का समीकरण चेंज हो सकता है? तो सर, तो पता नहीं, अब चेंज देने वाला पता चलेगा कितना कौन किसको देने वाला है। हम लोग तो रीतलाल को भेजा के देंगे वोट। कौन खैनी है चचा? हम लोग खैनी के नाम जानते हैं, कुबेर खैनी है। अच्छा, खैनी खाते खाते एक चीज बताइए, कौन आ रहा है, रीतलाल भैया की आशा सिन्हा जी? यहाँ तो रीतलाल आ रहा है। रीतलाल आ रहे हैं, काहे कोई काम नहीं हुआ है क्या? नहीं, बहुत माने काम, माने सब सगड़ो माने आशा सिन्हा से माने दुखी में दुखी चल रहे हैं आप। आशा सिन्हा से लोग मोह भंग हो चुके हैं। मोह भंग हो गया है कैसे कि आज नहीं, करीब करीब वो यहाँ पर 4 बार जीत चुके हैं। एक बार तो जीते तो 6 महीना रहे, उसके बाद फिर लगातार 15 साल रहे, 15 साल में जीत के आते हैं, और सिर्फ जीतने के बाद फिर गली में घूमते हैं और अपना जीत का जश्न मनाते हैं, और जश्न मनाने के बाद फिर कहाँ गए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। फिर उसके बाद जब चुनाव आया फिर मैदान में आए, फिर 1 महीना घूमे, फिर उसका गए कोई, फिर कोई पता नहीं। बुलेट वाले भैया हमारे साथ हैं, क्या नाम है बुलेट वाले भैया? पवन कुमार यादव। कौन आ रहे हैं, रीतलाल भैया की आशा सिन्हा जी? रीतलाल भी यादव आएंगे। का है, कोई काम नहीं किए क्या आशा सिन्हा जी? कोई काम ही नहीं दिख रहा है। हमारा वोट इसलिए रीतलाल मुखिया को जाएगा कि उनका काफ़ी नाम है इधर, और आशा सिन्हा जो हैं वो पहले हमारी विधायक थी, लेकिन उनके उन्होंने काम कुछ उतना नहीं किया है, इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि कुछ चेंजेज आए। सर, रीतलाल यादव जी जमानत पे बाहर चल रहे हैं और उन पे आरोप भी हैं, तो सर उन्हें चुनना ठीक होगा आपके नज़र में? सर देखिए, लोगों की अपनी अपनी मेंटलिटी है, होता है, हर इंसान के साथ होता है, उनके साथ क्या हुआ और उनके बारे में क्या लोग बोलते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आज के डेट में वो क्या सोचते हैं ये मायने रखता है, और आज के डेट में वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि वही बने। 15 साल में सर दानापुर विधानसभा क्षेत्र में कोई एक ऐसा काम जो आशा सिन्हा के द्वारा किया गया हो? सर ऐसा तो काम दिखता नहीं है हमारी तरफ, हम RKपुरम में भी रहते हैं, इधर हमारे
बहुत सारे दोस्त लोग भी रहते हैं इधर की। आप गली देखिएगा पानी से भरी हुई है। आपका वोट किसे जा रहा है? बट ऑब्वियस बीजेपी। आशा सिन्हा जी, 15 साल में कौन कौन सा ऐसा चीज़ें की? बस सेम जो आकाश ने बोला, जिसने वही चीज़ है। अभी उससे डेवलपमेंट कुछ दिख नहीं रहा, बट होप बीजेपी के नाम पे ही वोट जाएगा। बीजेपी के ही नाम पे वोट जाएगा। सर, आशा सिंह जी के राइट हैंड कहे जाने वाले दानापुर विधान परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं दीपक मेहता जी, वो उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं, तो क्या सर ऐसे में वोटों के समीकरण में कुछ बदलाव आएंगे? बट ऑब्वियस आएगा ही, सीधी सी बात है। उसमें उनके जो उन्होंने जो अपना क्षेत्र में जो काम किया है और उनके एवज में, तो कहीं ना कहीं लोगों का अट्रैक्शन उनकी तरफ जाएगा। आपका वोट बीजेपी के साथ है? हमारा वोट बीजेपी के साथ। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर? रोमिल कुमार। आपका वोट किस तरफ? देखिए भैया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बीजेपी को वोट देना हम लोग को, मतलब कि समझ लीजिए घर वाले सभी कोई बीजेपी है, लेकिन इस बार समस्या ये है कि आशा सिन्हा जी जो हैं अपने क्षेत्र में कभी घूमती नहीं है। गली गली कचरा है, शमशान घाट पर जाता है मुर्दा जलाने के लिए इंसान, तो गरीब से गरीब है उसको भी दुगना तिगना पैसा देना पड़ता है जलाने के लिए, वो गरीब आदमी कहाँ से जलाएगा? सबसे बड़ा हॉस्पिटल जाके देखिए, हॉस्पिटल का भी वही समस्या है। लाइन में लगे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब लाइन में खड़े रहिए आप, बस वही खड़े रहिए, आदमी मर जाएगा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। आशा सिन्हा जी के तरफ आपका वोट जा रहा है या फिर रितलाल यादव जी के तरफ? देखिए सर, रितलाल भैया जो खड़े हो रहे हैं उनके तरफ से सपोर्ट है, लेकिन वोट तो हम लोग का बीजेपी है। एकदम कैडर वोटर है एकदम, इसमें नो डाउट, इसमें नो डाउट है। हमारे फुल फैमिली का वोट जाता है, लेकिन इस बार देखिए क्या है कि हमारे घर वाले भी हैं, जो भी हमारे वार्ड मेंबर जो हैं सभी लोग नाखुश हैं। वो आती हैं सिर्फ बड़े लोग के घर जाती है, गरीब आदमी है हमारे, जात बिरादरी हैं, उनके बेटा डूब गए, आज तक उनका बॉडी नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला उनको। तो सर अब ये सब शिकायतें जनता के मन में हैं अभी। हाँ भैया, ये तो ठीक है, धन्यवाद सर।